बाहुल्य क्षेत्र में पेशा कानून लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आदिवासी समाज के मुखिया एवं प्रमुख लोगों तथा पंचायत प्रतिनिधियों और स्वयं सेवी संस्थाओं से राय शुमारी की जा रही है। पेशा कानून के क्रियान्वयन के लिए नियम बनाने हेतु प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंह देव की अध्यक्षता में आज कांकेर जिले के चारेमा विकासखंड अंतर्गत ग्राम खेरखेड़ा में पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार पर परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें कांकेर, कोंडवा, बालोद, राजनांद गांव और धमतरी जिले के कुल 16 विकासखंडों के आदिवासी समाज के मुखिया शामिल हुए। पूर्व सांसद एवं पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अरविंद नेताम ने पेशा कानून बनाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में आदिवासी क्षेत्रों के लिए पेशा कानून बनाया गया तथा इस कानून को संवारने में डॉक्टर बी.डी. शर्मा का बड़ा योगदान रहा है। श्री नेताम ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार जो प्रशंसनीय काम कर रही है, पूर्व सांसद पोटाई ने पेशा कानून के क्रियान्वयन हेतु बनाने जाने वाले नियमों के प्रत्येक बिंदु में दंड का भी प्रावधान रखने का सुझाव दिया। उनके द्वारा आदिवासी संस्कृति के संवर्धन व संरक्षण तथा देवी स्थलों को संरक्षित करने के लिए भी पेशा कानून में नियम बनाने का सुझाव दिया गया है। इसके साथ ही विकास कार्यों का अनुमोदन अनुसूचित क्षेत्रों में लघु जल निकाय, गौण खनिजों का खनन पट्टा, पर्यावरण संरक्षण, अनुसूचित क्षेत्रों में अतिक्रमण रोकने, धन उधार व्यवस्था, हॉट बाजार नियंत्रण, सामाजिक क्षेत्र के संस्थाओं एवं कर्मचारियों का नियंत्रण, नशीले पदार्थ की बिक्री एवं खपत का विनियमन, सांस्कृतिक विरासत और उसकी संबद्धि, लघु वनोपजान का प्रबंधन, शांति सुरक्षा तथा चुनाव के मामले में परंपरा और कानून, जैव विविधता का प्रबंधन एवं बौद्धिक संपदा नियंत्रण और दंड, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, श्रम शक्ति एवं मानव साधन, ग्राम सभा में विकास कार्य योजना का अनुमोदन इत्यादि के संबंध में अपने अपने सुझाव दिए गए हैं।